भगवान गणेश की पूजा हर घर में सबसे पहले होती है, लेकिन उनकी पूजा सबसे पहले क्यों होती है? ये तो उनको वरदान मिला ही हुआ है, लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि वो पूजनीय है और क्या विशेषताएं ऐसी हैं जो मानव के लिए प्रेरणादायी हैं। इन आदतों को अपने जीवन में अपनाकर मनुष्य महान बन सकता है, हर काम कर सकता है। तो गणेश जी प्रथम पूज्य होने के कारण इनमें ऐसे क्या विशेषताएं हैं जो प्राणियों के लिए विशेष इंस्पायरिंग है? तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाथी के कान देखे हैं आपने? हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो हमें बताते हैं जिस प्रकार अनाज को फटका जाता है और उसके छिलके निकल जाते हैं और दाने रह जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके जो गुण हैं हाथी के कान की तरह होना चाहिए। व्यर्थ की बातों को निकाल फेंकी अपनी ज़िंदगी से, और जो ज़रूरी है, सार तत्व है, उसको ही अपने भीतर स्थान दीजिए, तो आपको गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है हाथी की जो आँखें होती हैं, हाथी से तुलना होती है क्योंकि गजमुख है, और गजमुख होने के कारण इनकी तुलना हाथी से की जाती है। हाथी की आँखें बहुत दूर तक देखने में समर्थ होती हैं, दूर दृष्टि होती है हाथी के पास में, भले ही छोटी हो। जो मनुष्य समस्या अथवा कष्ट के समय दूरदृष्टा होता है और आने वाले वक्त को पहले जान लेता है, वो सुखी होता है। ये इस बात का प्रतीक है। हाथी की सूंड लंबी होती है और हाथी अपने परिवार का पेट सूंड के द्वारा डालियां तोड़कर ही भरता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करके अपने घर परिवार का पालन करता है, अपने हाथों से उनका पोषण करता है, रक्षा करता है, वह महान होता है, और ये हमें हाथी की सूंड बताती है। हाथी का जो शरीर होता है बहुत विशाल होता है, और विशाल शरीर होने के कारण गणेश जी का उदर बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। अधिक पेट में अधिक जो अन्न गया है और उसको पचाने के लिए पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। लंबोदर से तात्पर्य यह है कि आप सबकी सुनो और उन बातों को पचा जाओ। अधसुनी बातें, अनायास की जाने वाली बातें जीवन में समस्या उत्पन्न करती हैं। अनायासी शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु बन जाते हैं। तो किसी को कुछ भी कहने से पहले विचार करो, किसी को कोई काम अनावश्यक रूप से बताने के बाद ना करें। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक बूंदी से बनाया जाता है और बूंदी बिखरी हुई रहती है, लेकिन अगर प्रगति करनी है तो बिखरे मत रहो। संगठन का प्रतीक है मोदक, एकता का प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है। तो आप संगठित रहेंगे तो आपको कोई नुकसान कोई पहुंचा ही नहीं पाएगा। जो गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, ये खास विशेषता है उनकी। सिंदूर मांगलिकता का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, स्वयं का कल्याण चाहने वाले उन पर सिंदूर चढ़ाते हैं। गणेश जी पर दूर्वा भी चढ़ाई जाती है। दूर्वा की एक खास बात होती है, उसमें विनम्रता बहुत ज़्यादा होती है। जो भी उसको दबा के चलता है वो पुनः खड़ी हो जाती है, विरोध नहीं करती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है और ये बहुत गुणवत्ता की प्रतीक है। स्थायी सुख इससे प्राप्त होता है और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा इधर उधर से भागता रहता है, कभी भी आलस्य उसको नहीं आता। ये इस बात का प्रतीक है कि दूसरों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए और बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। गणेश जी ने अपने वजन से चूहे को दबा रखा है,
यानी चूहे को मनमानी करने का हक नहीं है, हमारे पास बुद्धि है तो हम ये अपनाएं जीवन में तो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को हर मांगलिक कार्य में प्रथम निमंत्रण दिया जाता है और उनका आह्वान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी को निमंत्रित नहीं करता है उसके काम में हर तरह से विघ्न पैदा हो जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव ने वरदान दिया और देवता भी उसको उनको प्रथम पूज्य मानने लगे। गणेश जी की वंदना सबसे पहले की जाती है और ये अनिवार्य हो गई है। तो गणेश जी के व्यक्तित्व में ऐसी बातें हैं जिनको आत्मसात करके आप भगवान गणेश का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कूटनीति के द्वारा, अच्छी बुद्धि के द्वारा आप सभी काम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।